पत्नी और दो बेटियों की हत्या के आरोप में जेल में बंद एक कैदी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। बैरक में आरोपी मनराम गुर्जर का शव लटके हुए मिला। मामला नागौर जिले के पर्वतसर जेल का है। आरोपी मकराना के पास दिलधाड़ी गांव का रहने वाला था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने मंगलवार रात को ही बैरक में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जेल सुपरिटेंडेंट को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने बुधवार सुबह पर्वतसर पुलिस को सूचना दी, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी ने जेल में जाकर इसकी जांच कर रही हैं। मनराम ने 4 अप्रैल की रात दो बेटियों और पत्नी की हत्या की थी। 4 अप्रैल की रात करीब 2 बजे मनराम उठा और घर पर रखी कुल्हाड़ी से दो बेटियों दोहिते और अपनी पत्नी केसर 50 वर्षे पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। हमले में दोनों बेटियों मीरा और रेखा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पत्नी और दोहिते गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अजमेर रेफर किया गया। अजमेर से केसर को जयपुर रेफर किया, जहां उसकी मौत हो गई। हमले के बाद मनराम गेट का बाहर से ताला लगाकर मौके से फरार हो गया था। दरअसल अगली सुबह छोटी बेटी रेखा को ससुराल भेजना था। रात में वो हाथों में मेहंदी लगाकर सोई थी। सुबह मनराम का बेटा हजारी दूध की गाड़ी ले जाने के लिए 3:30 बजे उठा तो उसने गेट के नीचे से खून बहता देखा। इसके बाद उसने ताला तोड़कर अंदर देखा तो सभी लोग लहूलुहान हालत में पड़े थे, जिसके बाद उसने आसपास के लोगों को सूचना दी।